सिवनी जिले में नागरिक आपूर्ति निगम की मनमानी का मामला सामने आया है, जहां धान रिजेक्ट करने से निगम के खिलाफ किसानों में गुस्सा देखा जा रहा है। वहीं अब खरीदी करने वाली समितियों के प्रबंधकों ने भी नागरिक आपूर्ति निगम के तानाशाही रवैये के चलते खरीदी बंद करने का ऐलान कर दिया है। सिवनी जिले के समिति प्रबंधकों की लूघरवाड़ा के पंचायत भवन में बैठक आयोजित हुई, जहां उन्होंने प्रबंधक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। समिति प्रबंधकों का कहना है कि समर्थन मूल्य पर 16 नवंबर से ही धान की खरीदी शुरू हुई है, लेकिन 4-5 दिनों से ही खरीदी केंद्रों में धान आ रही है। जिले में पिछले 4-5 सालों से बेहतर धान आई है, अच्छी क्वालिटी की धान आ रही है, इसके बावजूद हर दिन धान को अमानक स्तर की बताकर रिजेक्ट कर रहे हैं, जिससे समितियों को ट्रक परिवहन और लोडिंग का नुकसान हो रहा है। समिति संचालकों का कहना है कि जब तक हर समितियों में सर्वेयर नहीं रखा जाएगा, तब तक जिले की समितियां धान की खरीदी नहीं करेंगी। लखनादौन से राकेश यादव की रिपोर्ट। बंसी ठाकुर जिला अध्यक्ष। आज समस्त कर्मचारियों को यहां पर बैठक में बुलाया गया था। नान एवं बियर हाउस के द्वारा जो तानाशाही की जा रही है और धानों को रिजेक्ट की जा रही है, इस संदर्भ में सारे कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। पूर्व में भी हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर अवगत कराया था, लेकिन कलेक्टर साहब ने हमारी बातों को नहीं माना है। हमारी प्रमुख मांग है कि नान द्वारा या तो हमें सर्वेयर दिया जाए, ताकि वो समिति स्तर पर दिया जाए और समिति में वो जो धान को पास करेगा, हम वही धान की खरीदी करेंगे। क्योंकि विगत 3 दिन से 4 दिन से जब से परिवहन का कार्य शुरू हुआ है, प्रतिदिन गाड़ियाँ वापस हो रही हैं, एक भी गाड़ी पास नहीं हो रही है। सारी गाड़ी फैल कर दी गई और समितियाँ वापस कर दी गई है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम आगामी खरीदी का कार्य करने में असमर्थ हैं और हम खरीदी नहीं करेंगे तब तक जब तक हमें सर्वेयर नियुक्त नहीं मिलते हैं और सर्वर प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक हम बिल्कुल खरीदी का काम नहीं करेंगे।